हेलो एवरीवन, न्यूमेरिकल है मशीन चैप्टर से। अ यूनिफॉर्म सीसॉ 5 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड एट इट्स सेंटर। अ बॉय वेइंग 40 किलोग्राम फोर सिट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ द 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सीसॉ। टू विच क्लास ऑफ द लीवर डज इट बिलोंग। करा कौन से क्लास का लीवर है ये? चलो सर देखते हैं। एक सीसा है ये। अब सीसा के बीच में फलक्रम होता है, यहाँ लोड होता है, यहाँ इफर्ट होता है, या इधर उधर आप एक्सचेंज कर सकते हो, लोड या इफर्ट एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हो। कह रहे सीसा 5 मीटर लॉन्ग है, ये पूरा का पूरा 5 मीटर लॉन्ग है ये। और कह रहा है कि अ बॉय वेइंग 40 किलोग्राम फोर्स इट सीट एट अ डिस्टेंस ऑफ द 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर। और ये मान लो कि एक लड़का है, 1 मीटर पर है सेंटर से बैठा हुआ है, जो कितने किलोग्राम का है, 40 किलोग्राम फोर्स का है। तो डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सीसा। टू विच क्लास ऑफ द लीवर इट डज बिलोंग। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, अगर ये ये 1 मीटर का है तो इधर क्या हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा, इधर 4 मीटर हो जाएगा। अपने आप ही ऑटोमेटिक है ये पूरा। आपको देख लो कि सीसा की लेंथ 5 है, यूनिफॉर्म सीसा है, 5 मीटर लॉन्ग है और सपोर्टेड एट इट्स द सेंटर, सेंटर पर ये सपोर्टेड है। और बॉय वेइंग द 40 किलोग्राम सीट एट द डिस्टेंस ऑफ द 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सीसा। तो पूरा यही है इसका सिनेरियो, ठीक है। जहाँ पर बैठाए हैं बच्चों को वो 1 मीटर का है, ठीक है। अब देखो कर टू विच क्लास ऑफ द लीवर डज इट। तो हमने आपको बताया है एक शॉर्टकट FLE, जब फलक्रम बीच में हो तो फर्स्ट क्लास लीवर, जब लोड बीच में हो तो सेकंड क्लास लीवर, और जब हमारा इफर्ट बीच में हो तो थर्ड क्लास लीवर, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि आपका फलक्रम बीच में है तो ये फर्स्ट क्लास लीवर हो गया। आँख बंद करके इसका आंसर करो, ये फर्स्ट क्लास लीवर होगा। फाइंड वेयर द गर्ल। कह रहा है कि अगर हम 1 मीटर पर इसके 1 मीटर पर बैठा दिए हैं एक लड़के को, तो एक दूसरी लड़की को बैठाना है जो 20 किलोग्राम की है, जो 20 किलोग्राम की है। तो कह रहा है कहाँ बैठाएं उस लड़की को कि ये सीसा बैलेंस रहे, ठीक है। तो कह रहा है कि ऑन सीसा एज टू बैलेंस द वेट ऑफ द बॉय, वेट ऑफ द बॉय से ये बैलेंस रहे। कहाँ पर? इसका मतलब हमें ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि लड़की कहाँ बैठे, यहाँ बैठे कि यहाँ बैठे कि कहाँ बैठे, पता नहीं कहाँ बैठे। तो हमें प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगा लेना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है कि राइट साइड का मोमेंटम और लेफ्ट साइड के मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ का वेट 40 किलोग्राम फोर्स है और यहाँ की डिस्टेंस 1 मीटर है, 1 मीटर पर बैठा है लड़का। इधर लड़की कितनी किलोग्राम की है, 20 किलोग्राम फोर्स की है, और उसको पता नहीं कहाँ बैठाएं कि ये बैलेंस रहे। तो हम सपोज कर लेते हैं x मीटर पर बैठा लेते हैं लड़की को। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40/20, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मीटर। वो लड़की सीसॉ पर 2 मीटर पर बैठे, अगर ये लड़का इस बैलेंसिंग पॉइंट से 1 मीटर पर बैठा है, 1 मीटर पर बैठा है ये 40 किलोग्राम का लड़का, तो लड़की को हम क्या करें, 2 मीटर पर बैठा दें। कहाँ पर बैठा दें, 2 मीटर पर बैठा दें, जो 20 किलोग्राम फोर्स की है। तो ये सीसॉ बिल्कुल बैलेंस रहेगा, किसी ओर टिल्टेड नहीं रहेगा, किसी भी ओर झुका नहीं रहेगा, लीन नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये इसका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम लगाया और हमने कैलकुलेट कर लिया।